ठीक है, तो दो गए अपने ना, अपने होल स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए ना। ठीक है, थर्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। देखो अभी तक स्फेरिकल सिमेट्री वाली चीज़ें पढ़ी हैं, अब सिलिंड्रिकल सिमेट्री पे आ जाएंगे हम। ठीक है, इसका फॉर्मूला वैसे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, याद ही नहीं है फिर। 2k λ/r है ना। अच्छा, इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में वो बता दो, ग्राफ नहीं बनाया ना अपन ने, सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड क्या आता है फॉर्मूला? k³ r² है ना। ठीक है, या फिर इसको तो मतलब उस फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? 1/4π ε₀ q को क्या ले सकते हैं? ρ × 4π r³/3 है ना, 4π से 4π गया r² तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऐसे भी लिख सकते हैं आउटसाइड पॉइंट पे, क्या लिख सकते हैं? ρ/3 ε₀ r² r³। ठीक है, रो के टर्म में भी कई बार फायदा हो जाता है रो के टर्म में लिखने से। ठीक है, ρ³/3 ε₀ r² सेम ही चीज़ है वही, k³ r² ठीक है। और इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर में? ρ r/3 ε₀ या फिर k³ r/ ध्यान रखना है जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इसमें स्मॉल r तुम्हारा वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, है ना। सिर्फ स्मॉल r तुम्हारा वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है हमारा। ठीक है, तो देखो आउटसाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के आउटसाइड निकाल रहे हैं तो 1/r² के प्रोपोर्शनल है और इनसाइड r के प्रोपोर्शनल है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ कैसा बनेगा? कैपिटल R तक कैसा रहेगा इनसाइड वाले पॉइंट के लिए? तो स्ट्रेट लाइन आएगा, देखो स्ट्रेट लाइन आएगा ना यहाँ पे, तो और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तुम्हारी k³ r² और इसके बाद एसिम्प्टोटिकली फॉल करेगा 1/r², याद रखना ये हाइपरबोला नहीं है ना, 1/r² से फॉल करा, r से राइज करा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है सॉलिड स्फीयर में? उस पे, उसके सरफेस पे, क्योंकि पहले वो इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करने लगता है। ये ग्राफ बना लेना वहाँ पे जाके, सॉलिड स्फीयर में जब पढ़ा था वहाँ पे ये ग्राफ बना लो, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक, तो फिर लाइन चार्ज पे आ जाते हैं। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, तो मान लेते एक लाइन चार्ज है भाई, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये, है ना। तो बताओ भाई किसी पी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी। तो मैं बता देता हूँ पहले तो इसे कैसे करना है, इसमें अब गॉसियन सरफेस मानना है सबसे पहले तो ना, पहले तो पहला स्टेप क्या होता है, गेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना तो पक्का है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड जब मैं कह रहा हूँ तो वो सिलेंड्रिकली रेडियली आउटवर्ड है ना। ऐसे अगर तुम मान लोगे, ये मान लो r डिस्टेंस पे है ये, तो r रेडियस का एक सिलेंडर बना लो यहाँ पे, तो इस पूरे सिलेंडर पे, क्योंकि लाइन चार्ज है ना, पूरे सिलेंडर पे ऐसे रेडियली आउटवर्ड आएगी, टू डायमेंशनल वाला रेडियली आउटवर्ड। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे यहीं पे होगी। तो अब समझो, अब हमने क्या बोला था गॉसियन सरफेस कैसा मानना है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अदर। गॉसियन सरफेस पहले तो क्लोज होना चाहिए। अब ये चार्ज तो तुम्हारा इनफाइनाइट है, तो क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको कोई भी एल लेंथ का पार्ट कंसीडर कर लेता हूँ भाई, कि चार्ज तो इनफाइनाइट है, हटाओ उसको, मैं एल लेंथ का मैंने चार्ज का, मैंने जो लाइन चार्ज है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, उसमें से कोई भी एल लेंथ कंसीडर कर ली, और उसके अराउंड क्या करा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, और ये पूरा क्लोज्ड है हर जगह से, याद रखना गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड वॉल्यूम तभी लगता है वरना नहीं लगता। तो ऐसा सिलिंड्रिकल है, ऊपर से भी कवर नीचे से भी कवर, पूरा हमने एक क्लोज्ड सरफेस बनाया,
आया क्या समझ में? ये कौन सा केस हो गया हमारा? सिलेंड्रिकल सिमेट्री वाला। याद करो स्टार्टिंग में नोट लिखवाए थे, तीन तरह की सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री। ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री आ गई। फिर उसके बाद एल्गोरिथम लिखा था, मैंने कहा था ना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वो समझ में आएगा अच्छे से। सिलेंड्रिकल सिमेट्री, चलो ठीक है, अब गॉसियन सरफेस मान लिया अपन ने ना, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे, अब देखो ये गॉसियन सरफेस किस तरीके से है ना, यहाँ पे तीन तरह के सरफेस हैं। सरफेस नंबर वन, सरफेस नंबर टू, ये कर्व्ड पार्ट सिलेंडर का, और ये सरफेस नंबर थ्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, अगर सरफेस नंबर वन पे मैं डी ए वैक्टर बनाऊं, सरफेस नंबर वन पे मैं डी ए वैक्टर बनाऊं तो वो कैसा जाएगा? सरफेस नंबर टू पे अगर बनाऊं तो वो कैसा जाएगा? पैरेलल। और सरफेस नंबर अगर थ्री पे बनाऊं, अब वो पढ़ो सेकंड वाला जो पॉइंट लिखा था, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मारते हैं, फिर इमेजिन द गॉसियन सरफेस सच दैट, उसका पहला वाला पॉइंट था वो पहले कवर हो गया। अब उसका दूसरा पॉइंट जो था, सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट्स, है ना, सरफेस ऐसा होना चाहिए कि ये जैसे है ना, सरफेस इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट्स एंड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अदर पॉइंट्स। इन दोनों जगह पे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो यहाँ पर सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो गॉसियन सरफेस तो मैं हमेशा इसी तरह से माना है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, है ना, वरना दिक्कत हो जाती, मैथमेटिकल वाली दिक्कत हो जाती, फिजिक्स वाली कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ऐसा? ये अगर जब मैं पहले वाले सरफेस पे करूँगा तो ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर यहाँ पे क्या है? जीरो। यहाँ पर भी ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या है? जीरो। और यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या है? ई डी ए, कॉस जीरो है ना, कॉस जीरो बन हो गया, आ रहा है समझ में? ठीक। अब गॉस लॉ लगा देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या होता है? क्यू एनक्लोज्ड बाय। आप सोचो इसमें जब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कर रहा हूँ, तीनों सरफेस लेके करूँगा, है ना, पहले फर्स्ट सरफेस पे करेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ऑन फर्स्ट सरफेस, प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ऑन सेकेंड सरफेस, प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ऑन थर्ड सरफेस, इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना है भाई? लैम्डा इंटू एल, है ना। अरे भाई लैम्डा इज द लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो एल यूनिट लेंथ में लैम्डा एल। अब ये क्या है बताओ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट और थर्ड जीरो क्यों हो गए, है ना, अभी लिखा ना परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट जीरो होता है। ये क्या आ गया तुम्हारा? ई डी ए। और अब ई भी कांस्टेंट होगा इस सरफेस पे हर जगह, तो इंटीग्रेशन के बाहर भी आ जाएगा ई इंटीग्रेंट डी ए सेकेंड सरफेस पे, लैम्डा एल वाई एफ सो नॉट। अब इंटीग्रेंट डी ए बताओ क्या देगा तुम्हें? टू पाई आर एल, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, टू पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल वाई एफ सो नॉट। तो क्या कटा भाई? तो ई कितना आ गया तुम्हारा? लैम्डा वाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, समझ गए ना, तो 2 के लैम्डा बाय आर बन गया। देखो वही सेम आंसर निकाल दिया अपन ने गॉस लॉ से भी। देखो जल्दी से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, हमने गॉसियन सरफेस में तो सिर्फ एल लेंथ का वायर माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एल लेंथ के वायर के कारण है क्या? पूरे वायर के कारण है, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर के कारण आई है, पर हमने तो सिर्फ बताया गॉसियन सरफेस के अंदर तो एल लेंथ का माना था, तो उसको कैसे पता चला कि बाहर भी वायर है? अरे मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं फाइनाइट वायर ले लेता एल लेंथ का, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर तो तुमने सिर्फ एल लेंथ का वायर माना है ना, अगर मैं से फाइनाइट वायर ले लूँ मान लो एल लेंथ का, तो अभी भी सेम आंसर आएगा क्या? तो फिर फर्क आएगा क्या? गॉस लॉ को कहाँ से पता चल रहा है? बिल्कुल सही है ना, तो क्या होगा, क्योंकि ये जो तुम लगा पाए अभी, जब तुमने इनफाइनाइट माना था तो उसके कारण ही तुम ई वेक्टर को इस डायरेक्शन में मान पाए थे,
अब जैसे ही तुम इसको फाइनाइट ले लोगे, ई वेक्टर है ही नहीं, ई वेक्टर यहां पे तुम लोगे तो किसी इस डायरेक्शन में आएगा, यहां पे किसी इस डायरेक्शन में आएगा, तो तुम्हारी ये सारी जितनी भी एक्सप्रेशन लिखे इधर भी आ रहा होगा, इधर भी कुछ ऐसा 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 आड़ा तेड़ा आ रहा होगा, तो ये जितना भी लिखा है वो सब गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो गॉस लॉ ने पिछले वाले केस में सही आंसर कैसे दिया ये समझ रहे हो? ठीक है, तुमने सिर्फ एल लेंथ का वायर लिया था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर के कारण आई है, क्योंकि पूरे वायर के कारण ही तुम बताए सिमेट्री से इस तरह से बोल पाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब जो तुम फाइनाइट वायर ले लोगे तो बोल ही नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो ये पूरा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आएगा भी नहीं। तो गॉस लॉ में तुम चाहे एक पर्टिकुलर पार्ट पर कंसिडर कर रहे हो, पर वो आंसर जो देता है तुम्हें फाइनल आंसर, वो दुनिया में जितने भी चार्जेस हैं उन सबके कारण आता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वहां पे, याद रखना चार्ज एनक्लोज होता है, पर ये ई वेक्टर क्या है, उस सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था ना, चार्ज अंदर वाला लेना है, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर बाहर दुनिया के जितने भी चार्ज है उन सबका रिजल्टेंट होता है। ये कंसेप्ट में क्लैरिटी रहनी चाहिए। क्लियर?